हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम था लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और आज हम देखेंगे द मेन 5 लेटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि जितने भी लेटिट्यूड्स हमने पढ़े उनमें से जो 5 मेन लेटिट्यूड्स है उनको हम पढ़ेंगे और उनसे बने हुए हीट जोन को हम देखेंगे। तो चलिए एक एक करके इन 5 लेटिट्यूड्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये जो लेटिट्यूड है जो कि है 0 डिग्री वाली, और इसे हम क्या कहते हैं, आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, पहला। दूसरा है आपका ऊपर वाली ये लाइन, आप देख सकते हो यहां पर, और इसका जो डिग्री है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और थर्ड वाली ये वाली लाइन, यानी कि ये वाली लेटिट्यूड जिसका डिग्री है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अच्छा, यहाँ पे जो एन लिखा है ना, ये नॉर्थ, क्या है इसका मतलब? नॉर्थ, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसलिए हम इसे इधर इसे नॉर्थ लिखते हैं। यानी कि जितने भी लेटिट्यूड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है उसे हम क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, यानी कि नॉर्थ। यहाँ पर इस लेटिट्यूड को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एन एन लिखा है, यानी कि नॉर्थ। ठीक है, उसी तरह से यहां पर अगर हम इक्वेटर से साउथ की ओर आए 23.5 डिग्री, तो ये जो लेटिट्यूड है ये भी एक मेन लेटिट्यूड है, थर्ड वाली, और इसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और इसका डिग्री कितना है? 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। अब इसे एस एस साउथ से क्यों डिनोट किया है? क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है या फिर इक्वेटर से साउथ की ओर है। अब चौथा जो है हमारा ये वाली 66.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये वाली जो लेटिट्यूड है इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल। ठीक है, उसके बाद नीचे आए पांचवी, यानी कि लास्ट फिफ्थ लेटिट्यूड 66.5 डिग्री साउथ। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और ये 66.5 डिग्री साउथ कहां से? इक्वेटर से। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो है 5 मेन लेटिट्यूड्स है, कौन कौन से है? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। चलिए एक एक करके हम इसे देखते हैं। तो चलिए पहला लेटिट्यूड, फर्स्ट लेटिट्यूड नंबर 1, इक्वेटर। इक्वेटर, ये वाली लेटिट्यूड इक्वेटर, और इसका डिग्री कितना है? 0 डिग्री का है। ठीक है, और इक्वेटर क्या करती है? हमारे जो अर्थ है उसको दो इक्वल भाग में काट देती है, डिवाइड कर देती है। ये यहां से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इक्वेटर क्या करती है? इक्वेटर हमारे अर्थ को दो हाफ में बांट देती है, यानी कि दो हेमिस्फीयर में बांट देती है। एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा है सदर्न हेमिस्फीयर। ये यहां से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके अलावा इक्वेटर जो है ना वो सबसे बड़ी क्या है? लेटिट्यूड है, यानी कि सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कहिए या फिर बिगेस्ट लेटिट्यूड कहिए। ठीक है, सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर का इंपॉर्टेंस क्या है? इक्वेटोरियल रीजन में, यानी कि इक्वेटर के आसपास वाली रीजन में जो सनलाइट है, यानी कि सन रे है, वो वर्टिकली पड़ती है। कैसे पड़ती है? वर्टिकली पड़ती है। ठीक है, जिसका कारण से ये रीजन हमेशा कैसा रहती है? हॉट रहती है, यानी कि यहां पर ज्यादा हीट मिलता है, सनलाइट का, सन का हीट ज्यादा इस रीजन पर पड़ता है, इसीलिए ये रीजन ज्यादातर गर्म रहती है, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादातर हाई रहती है। ठीक है, और इक्वेटर से पोल की तरफ का डिस्टेंस, यानी कि इक्वेटर से जब हम इधर पोल की तरफ जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कितना है? 10,000 किलोमीटर है। ठीक है, यहां से यहां कितना? 10,000 किलोमीटर, फिर इक्वेटर से नीचे साउदर्न पोल, यानी कि साउथ पोल की ओर 10,000, यानी कि इक्वेटर से साउथ पोल 10,000 किलोमीटर डिस्टेंस, और इक्वेटर से नॉर्थ पोल 10,000 किलोमीटर। और इस रीजन में, यानी कि जो इक्वेटोरियल जो रीजन है, इस रीजन में सनलाइट जो है वर्टिकली पड़ती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है,
जब सन रेज इस पर पड़ती है, यानी कि सन लाइट इस पर पड़ती है, तो वो कैसी होती है, वर्टिकली होती है, वर्टिकल होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जिसका कारण से इस रीजन पर जो टेम्परेचर जो है ना इस रीजन का, वो हमेशा हाई रहता है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, हाई रहता है, क्योंकि डायरेक्टली सनलाइट इक्वेटोरियल रीजन में पड़ती है, यानी कि इक्वेटर पर पड़ती है, इसीलिए वहां का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो बच्चों इस रीजन में टेम्परेचर जो है हमेशा कैसा रहती है, हाई रहती है, कब, थ्रू आउट द ईयर, यानी कि साल भर इस रीजन में ऑलमोस्ट टेम्परेचर सेम तरह का रहती है और हाई रहती है, और इस रीजन में विंटर और समर बोलने वाली ऐसी कोई चीज नहीं होती, वहां का टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से पोलर साइड जाएंगे, यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जाइए या फिर साउथ पोल की तरफ जाइए, ऐसे करके आप नॉर्थ पोल की तरफ जाइए या फिर साउथ पोल की तरफ आइए, तब जैसे जैसे आप पोलर साइड जाएंगे, आपका जो टेम्परेचर है इस रीजन का, वो कैसे होता जाएगा, घटते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, आप इक्वेटर से यहाँ आएंगे थोड़ा सा ऊपर, तो टेम्परेचर कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, इस तरह से यहाँ से आप इधर आओगे, यानी कि इस रीजन में आओगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जो पोलर रीजन में, वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, यानी कि माइनस में भी चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा दूसरा लेटिट्यूड वो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो कहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लेटिट्यूड। ठीक है, और इसका डिग्री कितना है, ये सारा आपको याद रखना है, डिग्री याद रखना है, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर से 1 2 3 4 करते 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 23.5 डिग्री पर पड़ती है, किस साइड, नॉर्थ साइड, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्थ है, किसका डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, नाम भी याद रखना उसका, डिग्री याद रखना। ठीक है, अब इसका इंपोर्टेंस क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का इंपोर्टेंस ये है कि 21 जून के दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन लाइट जो है, यानी कि सन का जो हीट जो है, वो वर्टिकली पड़ती है, ओवरहेड पड़ती है, जिसका कारण से 21 जून एवरी ईयर, यानी हर साल 21 जून के दिन जो है, इस हेमिस्फीयर पर, यानी कि पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ये लॉन्गेस्ट डे होती है। कौन सी डे होती है, लॉन्गेस्ट डे। तो यहां पर आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डे, ठीक है, कौन सा दिन जो है वो सबसे लंबा डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वो कौन सी डे है आपका, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा है, बिकॉज ऑन दिस डे, इट मींस ऑन 21 जून, सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ, और ये क्यों होते हैं बच्चों, ये इसलिए होती है क्योंकि 21 जून के दिन, यानी 21 जून के दिन सन कहां पर होती है, ओवरहेड होती है, यानी कि सनरे जो है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है, इसीलिए ये जो 21 जून है वो लॉन्गेस्ट डे होती है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब आते हैं थर्ड हमारा मेन लेटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फीयर पर पड़ती है, दोनों के डिग्री सेम है, इसका डिग्री भी कितना है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री, लेकिन साउथ की ओर, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, इसलिए साउथ की ओर, 23.5 डिग्री साउथ है। अब इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका इंपोर्टेंस ये है कि ऑन 22 दिसंबर, जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 21 जून के दिन सनलाइट ओवरहेड होती है, उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर 22 दिसंबर, डेट को याद रखना बच्चों, 22 दिसंबर पर सनलाइट जो है, यानी कि सन का हीट जो है, या फिर लाइट कहिए, सन का लाइट जो है वो ओवरहेड होती है, और जिसका कारण से सदर्न हेमिस्फीयर का जो लॉन्गेस्ट डे है वो कब होता है, 22 दिसंबर को। सो लॉन्गेस्ट डे ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 21 जून, रिमेंबर, एंड लॉन्गेस्ट डे ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज 22 दिसंबर। एंड व्हाई इट इज सो, इट इज बिकॉज ऑफ द सन्स लोकेशन, राइट, सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन 21 जून, एंड सन इज ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ऑन 22 दिसंबर। ओके, सो दैट्स व्हाई 21 जून एंड 22 दिसंबर आर द लॉन्गेस्ट डेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉन रेस्पेक्टिवली। ओके नाउ फोर्थ वन, हमारा चौथा जो मेन लैटिट्यूड है वो है ये वाली आर्कटिक सर्कल। कौन सी सर्कल? आर्कटिक सर्कल। अब इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये नॉर्थ की ओर पड़ती है यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर पड़ती है, इसीलिए नॉर्थ। तो आर्कटिक सर्कल का डिग्री कितना है? इसका डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इस रीजन पर सन रे जो है ना वो ऑब्लिक्ड पड़ती है। कैसे पड़ती है? ऑब्लिक्ड पड़ती है, ठीक है। अब ये ऑब्लिक्ड क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर इस फिगर को आप देखिए, ये है हमारा सन और ये हमारा अर्थ। अब हमारा अर्थ जो है तो वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा टिल्टेड। ये है हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, और ये हो गया हमारा अर्थ का एक्सिस। तो यहां पर ये हमारा सन है और सन से सन का जो रेज है यानी कि सन का लाइट जो है इस तरह से मूव कर रही है और यहाँ पर हमारा अर्थ पर पड़ रही है। तो आप यहाँ पर इस लाइन को देखें, ये जो हमारा लाइन है ना ये आर्कटिक सर्कल है, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये आर्कटिक सर्कल, ये जो लाइन मैंने बनाया ये आर्कटिक सर्कल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सनलाइट गई यहाँ पर, सो इस रीजन पर ये पूरी रीजन जो है ये कैसी होगी, यहाँ क्या होगी, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी। ये रीजन, ये पूरा यहाँ से ये पूरा जो रीजन ये जो होगी ना ये यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी, और जिसका कारण से क्या होगा, इस रीजन पर डे होगा और उस रीजन पर क्या होगा, नाइट होगा। अब आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन करती है, यानी कि सन के चारों ओर भी रोटेट कर रिवॉल्व करती है, घूमती है, और खुद अपने एक्सिस पर भी कुछ इस तरह से ऐसे घूमती है। तो हमारा जो अर्थ है कुछ इस तरह से घूमेगी, ठीक है, यानी कि रोटेट करेगी। तो अगर ये इस तरह से रोटेट करेगी तो भी ये जो लाइट है ना ये नॉर्थ पोल पर यानी कि इस रीजन पर लाइट पड़ती ही रहेगी, पड़ती ही रहेगी। जिसका कारण से क्या होगा, 6 महीना यानी कि 6th month, पूरा 6th month इस रीजन पर क्या होगी, डे होगी। क्या होगी? डे होगी। और उसी दौरान यानी कि उसी समय एट द सेम टाइम साउदर्न पोल पर यानी कि साउथ पोल पर यानी कि इस रीजन पर 6 महीना क्या होगी, रात होगी। आप देख सकते हो यहां से इधर डे नाइट, उधर से यानी कि इस लाइन से उधर नाइट। तो ये रीजन साउथ पोल 6 महीना उस समय रात होगी, और इस रीजन पर यानी कि नॉर्थ पोल की रीजन पर यानी कि इस रीजन पर 6 महीना कैसी होगी, क्या होगी, दिन होगी। लेकिन इस रीजन पर यहां पर आपको ये रीजन जो है ना ये रीजन पर डे नाइट होते रहेगी, क्योंकि ये इस तरह से अर्थ घूमती रहेगी, रोटेट करते रहेगी, लेकिन ये रीजन सनलाइट से दूर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण से यहां पर 6 महीना कंटिन्यू डे होगी और 6 महीना कंटिन्यू नाइट होगी। इस रीजन पर भी 6 महीना कंटिन्यू डे और 6 महीना कंटिन्यू नाइट होगी, लेकिन यहां पर जब डे होगी यानी कि इस रीजन पर जब डे होगी 6 महीना, उस समय यहां पर यानी कि साउथ पोल पर नाइट होगी, और जब साउथ पोल पर डे होगी तो नॉर्थ पोल पर क्या होगी, नाइट। इस तरह से होगा, मैं आपको दिखाता हूं। अब ये अर्थ जो है ना कुछ इस तरह से रिवॉल्व होकर घूमकर ऐसे आएगी, तो अर्थ ऐसे घूमते घूमते रिवॉल्व होते होते इस साइड आ जाएगी। हमारा सन तो यहीं पर है, ये घूम के ऐसे आ जाएगी, तो सन कुछ इस तरह से यहां पर होगा, और जो हमारा अर्थ है ना ये कुछ इस तरह से, ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया हमारा साउथ पोल, इक्वेटर, ठीक है। तो सन लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, तो देखो सनलाइट कहां पर पड़ रही है, इस रीजन पर पड़ रही है। तो कंटिन्यू अब 6 महीना यानी कि 6th month डे साउथ पोल पर होगी, और ये हम यह एक्सिस, एक्सिस से उधर डे, एक्सिस का इधर नाइट, और 6 महीना इधर नाइट होगी, ठीक है। तो यहां पर वही है बच्चों, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल ये दोनों जो है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल जो है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको यहाँ पर ग्लोब में दिखाया था, जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरह से। तो ये जो आर्कटिक सर्कल और ये हमारा अंटार्कटिक सर्कल, दोनों का जो डिग्री है वो कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। डिग्री बराबर है लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए नॉर्थ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए साउथ है, और दोनों का इंपोर्टेंस एक ही है। इस रीजन पर क्या होगी, कंटिन्यू 6 महीना डे होगी,
सिक्स मंथ देयर विल बी सिक्स मंथ डेज एंड सिक्स मंथ नाइट एंड हेयर इन दिस रीजन ऑल्सो इट मीन्स इन द साउथ पोल ऑल्सो देयर विल बी सिक्स मंथ डेज एंड सिक्स मंथ नाइट बट when there will be 6 months continuous day in the north pole at that time there will be 6 months night on the south pole and when there will be 6 months night on the north pole that time there will be 6 months day in the south pole so these are the 5 main latitudes and their importance agle video mein hum dekhenge heat zones tab tak ke liye bane rahiye hamare channel par aur channel ko subscribe kijiye